दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे रेसिपी के अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों पोहा कटलेट बनाने के सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे आलू। आलू दोस्तों दो मीडियम लिए थे मैंने, इसको 70% ही बॉईल किया है, उससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आलू बिल्कुल गल जाएंगे, कटलेट बनेंगे ही नहीं। इसमें दोस्तों हम डालेंगे अभी पोहा, हाफ कप पोहा दोस्तों मैंने पानी में सोख करके लिया था। इसमें दोस्तों अभी हम डालेंगे पाउडर मसाले, मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया है 1 बड़ा चम्मच, धना जीरा पाउडर दोस्तों 1 बड़ा चम्मच लिया है मैंने, बहुत ही अच्छा स्वाद देता है अपने मिक्सचर को। आफ्टर टेस्ट अच्छा आने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे सौंफ भी डाल रहा हूँ 1 बड़ा चम्मच, आप भी जरूर डालिएगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट दोस्तों डालेंगे, कच्चा ही डालना है दोस्तों 1 चम्मच। दोस्तों 1 छोटा चम्मच चाट मसाला भी डालेंगे, एक अच्छा टैंगीनेस आता है अपने मिक्सचर को। नमक डालेंगे दोस्तों, आपके स्वाद अनुसार आप घटा बढ़ा सकते हो। ग्रीन चिली दोस्तों डाल रहा हूँ मैंने 1 बड़ा चम्मच, बारीक कटी हुई ग्रीन चिली डालनी है। मिंट लीव्स डाला है दोस्तों मैंने 1 बड़ा चम्मच, अच्छा एक स्वाद देता है। फ्रेश धनिया पत्ते डाले हैं दोस्तों 2 बड़े चम्मच, एक फ्रेशनेस के लिए, बहुत ही अच्छा एक स्वाद देता है कटलेट को। फिर उसके बाद दोस्तों हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर, एक नाम के लिए दोस्तों डालना है 1 छोटा चम्मच। अनियंस डालेंगे दोस्तों 1 मीडियम मैंने लिया था, काट के बारीक काट के इसको डालना है। जब भी हम कटलेट खाते हैं बहुत ही अच्छा एक टेस्ट देता है ऑनियन का। इसको हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल ऐसे तरह ही मिक्स करना है दोस्तों, नहीं तो आपका कटलेट का स्वाद अच्छा आता नहीं अगर सारे मसाले अच्छे से मिक्स नहीं होते। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो अच्छे से गोला बन रहा है, यानी हमारा जो कटलेट है वो अच्छे से बन सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो हाथों में दोस्तों ये मिक्सचर बहुत चिपक जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, प्लेट को भी ग्रीस करेंगे ऑयल से, हाथों में भी ऑयल लगाएंगे। अभी ये मिक्सचर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अभी हम दोस्तों इसमें टिक्की बनाएंगे, आप चाहे वो शेप में बना सकते हो, मैं यहाँ पे राउंड राउंड टिक्कीज बना रहा हूँ। साइड से दोस्तों इसको अच्छे से दबाएगा, ऊपर से नीचे से भी दबाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो जो कटलेट है वो पैन पे छोड़ जाएंगे, अपने कटलेट अच्छे से नहीं बनेंगे। मेरे सारे कटलेट्स दोस्तों बना के ले लिए हैं, एक जैसी एक साइज की मैंने बनाए हैं, इसलिए ढेर सारे कटलेट्स बन गए, तकरीबन 10 से 12 कटलेट्स तो मेरे बन के रेडी हो गए हैं। अभी दोस्तों पैन की तरफ जाएंगे, फ्राइंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, 5 मिनट दोस्तों हाई फ्लेम पे अपने पैन को गर्म करना है। जैसे ही पैन गर्म होता है उसमें हम लगाएंगे ऑयल, ढेर सारा दोस्तों ऑयल लगाएगा, नीचे ऑयल चाहिए, नहीं तो टिक्की अपनी जो कटलेट है अच्छे से फ्राई नहीं होंगे, अगर फ्राई नहीं होंगे तो कच्चा रह जाएगा, स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा। तो दोस्तों प्यार से ऑयल लगाने के बाद अभी हम चेक करेंगे ऑयल गर्म है या नहीं। ऑयल अपना अच्छे से गर्म हो गया है, अभी इसमें हम दोस्तों कटलेट एक एक करके डालेंगे, धीरे धीरे करके डालिएगा नहीं तो कटलेट ब्रेक होंगे। कटलेट को दोस्तों 5 मिनट के लिए वन साइड पकाना है, दूसरी साइड भी 5 मिनट के पकाना है। जैसे आप 5-5 मिनट दोनों साइड पे करते हो आप इसको निकाल सकते हो एंड सर्व कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आप वीडियो में देख रहे हो, चाहे तो और ऑयल लगा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे दोस्तों ऑयल लगा रहा हूँ, ऑयल टिक्की के अंदर जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पैन के ऊपर है, अगर आपका पैन बीच से थोड़ा सा ऊपर है तो ऑयल साइड में जा सकता है, नहीं तो ऑयल एक जगह पे रहता है। अभी दोस्तों इसको हम पलटी करेंगे, पलटी करने के लिए दोस्तों इसको बहुत ही आराम से करना है, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, नहीं तो टूट जाता है। जैसे कि दोस्तों मैं वीडियो में हल्के हाथों से इसको पलटी कर रहा हूँ, वैसे ही आप बिल्कुल करिएगा, नहीं तो टूट जाएंगे, मज़ा पूरा जाएगा इसका। दूसरी साइड भी दोस्तों 5 मिनट के लिए रखना है, 5 मिनट होने के बाद दोस्तों आप चाहे तो इसको और कुक कर सकते हो, एक अच्छा कुरकुरापन आता है, बट मैं इसी स्टेज पे इसको निकालता हूँ, बिकॉज आपने आलू तो ऑलरेडी पके हैं, सारी चीज़ें इसमें से ऑलरेडी पक चुके हैं, तो टेस्ट भी बहुत ही अच्छा एक देता है। अब दोस्तों बारी है दूसरी साइड फिर से पलटने की, हम अभी चेक करेंगे ये पक गया या नहीं। कटलेट दोस्तों अच्छे से बन गए, इसको सर्व करना चटनी के साथ या सॉस के साथ, सुबह का नाश्ता आपका बहुत ही मज़ेदार बन जाएगा। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना।